हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस 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 एम एंड हिर एंड बैक विद अनदर वीडियो सो टूडेज़ वीडियो इज अबाउट द मुंबई यूनिवर्सिटी एफ वाई एस वाई टी वाई एग्जामिनेशंस क्या होगा एफ वाई एस वाई एंड टी वाई एग्ज़ाम्स का क्या ये एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे सारे के सारे डाउट्स आपके मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ और ये काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से आप इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ पाएंगे सो एज़ यू आर अवेयर दैट नाइन्थ स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंडर्ड एंड इलेवेन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को कैंसिल किया गया है तो अभी मुंबई यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन एफ वाई एस वाई टी वाई का क्या होगा आइए स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आई है एज पर द क्लैरिफिकेशन मेड फ्रॉम द स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर श्री उदय सामंत सर उन्होंने बोला है कि नो डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू कैंसिल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जैसे नाइन्थ स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का पेपर एंड इलेवेन्थ स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा वैसा न्यूज़ न्यूज़ में आपने देखा होगा वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में थे कि अब एफ वाई एस वाई और टी वाई के एग्जाम्स भी नहीं होंगे बट स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने ये क्लैरिफाई किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये सारे एग्जाम्स होंगे सो दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे तो ऑनलाइन एग्जाम्स लेने के लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द सब्जेक्टिव पेपर जहाँ पे वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जहाँ पे वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं तो बेसिकली ऐसे केस में ऑनलाइन एग्जाम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा बट दे आर प्लानिंग टू गो फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशंस वेदर दिस ऑनलाइन एग्जाम्स विल बी टेकन और नॉट ये इसके ऊपर काफ़ी सारे डिस्कशंस अभी हो रहे हैं तो उन्होंने अपनी एक कमिटी भी फॉर्म की है जिसके बेसिस पे दे आर गोइंग टू डिसाइड वेदर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स फिजिबल होंगे कि नहीं होंगे उसके ऊपर भी कोई भी डिसीजन अब तक नहीं लिया गया है तो ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे इसके ऊपर भी अभी भी कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लिया गया है किस तरीके से फॉर्मेट होगा ये सारे पॉइंट्स के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा सो बेसिक पॉइंट्स आर रिलेटेड टू दिस देन कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस है विच आर बीन गिवन बाय द वेरियस स्टेक होल्डर्स तो बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए हैं नंबर वन इज एकेडमिक ईयर शुड बी एक्सटेंडेड तो एकेडमिक ईयर जो है एक्सटेंड होना चाहिए तो so, मैं मैनेजमेंट काउंसिल मेंबर जो जलगांव यूनिवर्सिटी के हैं मिस्टर पीटी चौधरी उन्होंने कहा है कि एकेडमिक ईयर को जो एक्सटेंड करना है अक्टूबर तक लेकिन uh, ऐसे केस में जो अक्टूबर तक हम एक्सटेंड करेंगे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते हैं इसीलिए इसके ऊपर भी अभी तक यूनिवर्सिटी डिसाइडिंग के वेदर एकेडमिक ईयर को एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है आ, जो सेकेंड पार्ट है आ, सेमिस्टर बेस्ड पैटर्न का सेमिस्टर बेस्ड पैटर्न नॉट टू तो बी एक्सटेंडेड ऐसे महाराष्ट्र स्टूडेंट्स काउंसिल के यूनियन ने सजेस्ट किया है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न है उनको उनका सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो वो आगे चले जाएगा और उसकी वजह से उनको काफ़ी सारे कोर्सेज में एडमिशन्स लेने के लिए प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं तो इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान देना है कि सेमिस्टर बेस पैटर्न नॉट एक्सटेंडेड ऐसा उन्होंने प्रमोट किया है तो ये सेकेंड सजेशन है फ्राम दी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यूनियन काउंसिल सो बेसिकली जो आइडॉल के स्टूडेंट्स हैं अभी जो साल में एक ही बार एग्जाम देते हैं दैट इज़ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग वाले उनकी एग्जाम्स को जुलाई में लेना चाहिए ऐसा सजेशन uh, यहाँ पर दिया गया है कि आइडॉल एग्जाम जो साल में एक ही बार होती है जिनका सेमिस्टर पैटर्न नहीं है उनकी एग्जाम्स जुलाई में लेनी चाहिए तो उनके एग्जाम्स अगर जुलाई में लेंगे जुलाई तक अगर ये सब कुछ ठीक हो जा, जाएगा ऐसा अज्यूम किया गया है एंड उनके एग्जाम्स जुलाई में लेनी चाहिए और और भी कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस है एज़ पर दी यू जी सी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन एक सौ अस्सी टीचिंग डेज़ होने चाहिए इन एन एकेडेमिक ईयर एंड नाइन्टी डेज इन अ सेमिस्टर तो ये भी एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि किसी किसी कॉलेजेस के ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है तो उसके ऊपर भी अभी डिसीजन लिया जाएगा कि ऐसे केस में क्या करना है सो दीज आर बेसिकली द पॉइंट दीज आर बेसिकली द सजेशन्स गिवन बाई वेरियस स्टेक होल्डर्स तो काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स ने ये सजेशन्स दिए गए हैं लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी इसके ऊपर एग्जैक्ट डिसीजन नहीं ले पाया कि उस ये सिचुएशंस में क्या करना चाहिए सो देर आर मेनी प्रॉब्लम्स फेस बाय दी यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू द एग्ज़ामिनेशन पार्ट हम कुछ प्लानिंग की बात करेंगे कि एग्जैक्टली exactly, uh, किस तरीके से यूनिवर्सिटी इस सिचुएशन में डिसीजन uh, ले सकता है सो so, uh, ये यूनिवर्सिटी ने एक कमिटी प्रिपेयर किया है उसमें काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं और ये वाइस चांसलर्स मिल डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली exactly इस सिचुएशन में अभी आगे के सिनेरियो में किस तरीके से एग्ज़ाम्स लिया जाएगा बट मुंबई यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है डॉक्टर सुहास पेडनेकर उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स कब कॉलेज में आएंगे वो पॉइंट के बारे में अभी इस पॉइंट में कहना काफ़ी मुश्किल है इसीलिए एग्जैक्टली डिसीजन लेना भी अभी मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम्स को लेना लेना चाहिए एंड एग्जैक्टली दे हैव प्रिपेयर्ड अ कमिटी और वो जो कमिटी है दो से तीन दिन में अपना रिपोर्ट सबमिट करने वाला है तो दो से तीन दिन में जो रिपोर्ट सबमिट होगा उसके बेसिस पे फाइनली डिसीजनस लिया जाएगा कि एग्जैक्टली exactly एफ वाई एस वाई और टी वाई के एग्जाम्स किस तरीके से होंगे तो अगर एग्जाम्स नहीं होंगे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं बिकॉज इफ़ यू सी द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स गो फॉर जॉब डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग दर ग्रेजुएशन तो जब वो जॉब पे जाएंगे तब अगर उनकी एग्ज़ाम्स के बिना वो पास हुए रहेंगे तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इसीलिए यूनिवर्सिटी का अभी भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि एग्ज़ाम्स नहीं लेने हैं तो uh, आपके पास बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए होंगे आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आए होंगे कि एग्जाम्स नहीं होंगे बट एग्ज़ाम्स होंगे ऐसा क्लियरली यहाँ पे आ, नोटिफाई किया गया है नया कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा कि एग्जैक्टली क्या होगा बट फिलहाल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि एग्जाम्स नहीं होंगे एफ एंड एस के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा बट इसके ऊपर कोई भी अभी तक फिक्स डिसीजन नहीं लिया गया है तो आप तक ऐसे कुछ भी रूमर्स आते हैं तो उस पर ध्यान ना दे ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लाया हूँ और ये ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप ये न्यूज़ को पढ़ सकते हैं वहाँ से आपको पूरे के पूरे मैटर को और क्लैरिफाई किया जाएगा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे बिकॉज मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड लास्ट मिनट रिविजन रिलेटेड वीडियोज़ चैनल पर लाते रहता हूँ टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी मार्टर